आज हम बात करेंगे कार्बोऑक्सी मास थेरेपी की। कार्बोऑक्सी मास थेरेपी बेसिकली एक एडवांस और लेटेस्ट प्रोसीजर है। मेडिकेटेड प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव है, यानी इसमें कोई नीडल्स वगैरह यूज़ नहीं होती, इन्वेसिव बिल्कुल नहीं है। और इसमें यह है कि CO2 मास्क हम अप्लाई करते हैं, उसके अलावा CO2 जेल यूज़ किया जाता है आपके फेशियल आर्टरीज को स्टिमुलेट करने के लिए, सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। और अगर आपकी फेशियल आर्टरीज की स्टिमुलेशन अच्छी नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाने के लिए भी ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है। और अगर आपकी फेशियल आर्टरीज में ऑक्सीजन की कमी है उसको रिफिल करने के लिए कार्बोऑक्सी थेरेपी की जाती है। इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ये ट्रीटमेंट, उसके अलावा आपकी फेशियल आर्टरीज में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको रिफिल करता है, और उसके अलावा आपके अगर रिंकल्स हैं या लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हैं और स्किन काफ़ी सैगी है तो ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। एक्ने स्कार्स के लिए भी है और मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है ये ट्रीटमेंट। प्रोसीजर के स्टार्ट में सबसे पहले फेस को क्लेंज आउट किया जाता है, एक्सफोलिएट किया जाता है, फिर उसके बाद CO2 मास्क जो होता है, स्पेसिफिक मास्क होता है इसके लिए, तो वो अप्लाई किया जाता है फेस पे। और उसके बाद हम शीट मास्क यूज़ करते हैं, कार्बोऑक्सी शीट मास्क, जो कि हम 25-30 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद जो है हम उसको वाइप आउट कर देते हैं और उसके बाद हम क्लेंज आउट फेस को अगेन करते हैं। और ये मास्क बेसिकली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और इसके अलावा आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सिल्की लुक पे आ जाती है और ग्लोई हो जाती है। जिनकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड होती है उनके लिए ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये एंटी एजिंग स्किन के लिए भी बेस्ट ट्रीटमेंट है और यंगस्टर्स भी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रीटमेंट की प्री केयर क्या है और पोस्ट केयर क्या है। प्री केयर में हम सबसे पहले पेशेंट को जब स्केड्यूल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हम 2 डेज बिफोर कोई भी सीरम या कोई भी नाइट क्रीम वगैरह यूज़ करने से अवॉइड करवा देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करें, और कोई भी हाइलोनिक एसिड हो गया या रेटिनॉल्स हो गया या रेटिनॉल वगैरह हो गया तो ये सारे सीरम्स हम अवॉइड करवा देते हैं। उसके बाद हम आफ्टर केयर में रिकमेंड करते हैं कि वो सेम डे सन एक्सपोजर अवॉइड करें। अगर बहुत इमरजेंसी है, ज़रूरी है जाना, तो आप एक अच्छा सनब्लॉक यूज़ करें, बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप किचन भी जा रहे हैं तो सनब्लॉक लगा के जाएँ। उसके बाद आप फ्रेश जूसेस पिएं, डेली फ्रेश जूस का एक ग्लास लाजमी पिएं और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट को हेल्दी करें और जंक फूड वगैरह अवॉइड करें। ये हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। और इस ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट को सेकंड सिटिंग के लिए बुलाते हैं नेक्स्ट मंथ, यानी मंथ में एक दफ़ा आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपका इम्प्रूव होगा स्किन टोन भी, आपकी स्किन ग्लोई हो जाएगी, रेडिएंट ग्लो आ जाएगा फेस पे। उसके अलावा अगर रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं तो वो मिनिमाइज हो जाएंगी और रिड्यूस हो जाएंगी। तो एंटी एजिंग स्किन के लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है, और इसके अलावा यंगस्टर्स के लिए भी, और मेल एंड फीमेल्स दोनों करवा सकते हैं ये ट्रीटमेंट। और सेशंस इसके 2-3 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि रिक्वायरमेंट क्या है, स्किन कंडीशन कैसी है। CO2 मास थेरेपी को हम कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरह भी कर सकते हैं, यानी कि CO2 मास थेरेपी के साथ हम हाइड्राफेशियल भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। जिनकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड होती है और रफ होती है तो उनको एक स्मूथ और सिल्की स्किन का टेक्सचर देने के लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉकटेल्स हैं, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरह हम कॉकटेल्स के साथ भी ये ट्रीटमेंट करते हैं। और इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है और नीडल्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, सुपरफिशियल स्किन पर वर्क करता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर कोई ब्लॉकेज है आपकी फेशियल आर्टरीज में तो उसको स्टिमुलेट करवाने के लिए भी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसके अलावा अगर सन बर्न, सन डैमेज या सन टैनिंग आ गई है, स्किन को रिपेयर करने के लिए भी लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और इन्वेसिव प्रोसीजर्स से घबराते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, आइडियल ट्रीटमेंट है, वो करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को भी अपना कॉम्प्लेक्शन बेहतर करना है और अगर सन डैमेज या सन बर्न हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन का कोलेजन और इलास्टिसिटी डाउन हो गई है
तो उसको इम्प्रूव करवाने के लिए भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को भी स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं तो आप लोग हैश क्लिनिक्स विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।